सिद्धेश परिवार को मेरा नमस्कार। कैसे आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है भगवान की कृपया और उनके आशीर्वाद से आप सभी लोग जहाँ भी हैं वहाँ सेफ हैं, सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। और परमात्मा से दुआ करता हूँ कि आज के इस दौर में कोरोना जैसी महामारी में एसडीपीएस परिवार का हर एक सदस्य हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, सेफ रहे। नमस्कार दोस्तों, नहीं आज मैं आपसे कहने वाला हूँ नमस्कार फाइटर्स। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की टॉप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एसडीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड AWPL के MD संजीव सर के बारे में। संपूर्ण जीवन परिचय बायोग्राफी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। भारतीय डायरेक्ट सेलिंग कंपनी AWPL के MD और CEO श्री संजीव कुमार सर ने अपने जीवन की शुरुआत भारतीय सेना से की। इसके बाद उन्होंने देश में बढ़ती बेरोजगारी और बीमारी को दूर करने के लिए संकल्प लेते हुए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड AWPL की स्थापना की। देशभक्ति की भावना से भरपूर और देश सेवा का जज्बा संजीव सर के अंदर शुरू से ही था। समाज में फैले जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ बड़ा करने का जुनून शुरू से ही उनके अंदर था, क्योंकि ये जब भी किसी गरीब और जरूरतमंद को देखते तो इनका हृदय व्याकुल हो जाया करता था। और इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने SDPS फाउंडेशन की स्थापना की। दोस्तों आपको बता दूं, संजीव सर का जन्मदिन हो या कोई बड़ा त्योहार, ये हमेशा जरूरतमंद, दिव्यांग और अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ रहना ही पसंद करते हैं और उनके साथ ही मनाना पसंद करते हैं। वही दोस्तों, जब देश में पुलवामा आतंकी हमला हुआ तो देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए इन्होंने 11 लाख रुपए का चेक तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह के माध्यम से भारत के वीर फाउंडेशन में डोनेट किया। और जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, पिछले 2 साल से वैश्विक महामारी कोरोना काल चल रहा है। इसमें संजीव सर ने दिल्ली एम्स सफदरगंज हॉस्पिटल में हजारों मास्क वितरित किए हैं। इसके अलावा हजारों लोगों तक सूखा राशन भी पहुंचाया है। वही संजीव सर ने PM केयर फंड में 25 लाख रुपए की मदद सांसद मनोज तिवारी जी के माध्यम से डोनेट भी किया है। वही दोस्तों आपको बता दूं, संजीव सर कंपनी में काम करने वाले लोगों को अपने परिवार की तरह समझते हैं और उनका ख्याल भी पूरी तरह रखते हैं। इसके अलावा कंपनी में अगर किसी लीडर की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो SLPS फाउंडेशन उनके बच्चों को 12 साल तक, जी हाँ दोस्तों 12 साल तक निःशुल्क शिक्षा की जिम्मेदारी भी लेता है और उनके परिवार को 1 लाख रुपए से 22 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। मैं दोस्तों आपको बता दूँ, संजीव सर के जीवन का उद्देश्य है दोस्तों देश में कोई भी भूखा न रहे, ना कोई बीमार रहे, ना कोई बेरोजगार रहे। इसी मिशन को समर्पित है संजीव सर का जीवन। तो दोस्तों ये थी संजीव सर के बारे में छोटी सी जानकारी। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अन्य ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो को। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।